नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कन्या पूजन के बिना नहीं होता है नवरात्र व्रत पूरा। दोस्तों, नवरात्रि में देवी के व्रतों में कन्या पूजन अर्थात कुमारी पूजन अत्यंत आवश्यक है। कुमारी पूजन के बिना देवी पूजा अधूरी रहती है और व्रती को पूजा का पूरा फल नहीं प्राप्त होता। देवी भागवत के अनुसार नवरात्र में कुमारी पूजन यानी कि कन्या को भोजन खिलाने से देवी जितनी प्रसन्न होती है उतनी प्रसन्न जब हवन और दान से भी नहीं होती। पहले दिन एक कन्या की पूजन करें और प्रतिदिन एक एक कन्या का पूजन बढ़ाते चले जाएं। इस प्रकार नौवें दिन 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। यदि प्रतिदिन कन्या पूजन करने में असमर्थ हो तो फिर अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन अवश्य करनी चाहिए। 9 कन्या और 2 बटकों का पूजन करने की आवश्यकता है, एक गणेश जी के निमित्त और दूसरे भैरव जी के निमित्त। कन्या पूजन करते समय धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा एक वर्ष तक की अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे गंध और स्वाद का ज्ञान नहीं होता। विभिन्न आयु की कन्याओं में विराजती है देवी के विभिन्न रूप और उनकी पूजा का फल। कुमारी 2 वर्ष की कन्या कुमारी कहलाती है। इनकी पूजा करने से दुख दारिद्र का नाश होता है तथा शत्रु का समन होता है, धन आयु और बल की वृद्धि होती है। त्रिमूर्ति 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है। इनकी पूजा का फल है धर्म अर्थ और काम की सिद्धि मिलना, धन धान्य और पुत्र पौत्रों की वृद्धि होती है। कल्याणी 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कहलाती है। इनकी पूजा से विद्या विजय राज्य और सुख की कामना पूर्ण होती है। रोहिणी 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। इनकी पूजा करने से रोग का नाश होता है। कालिका 6 वर्ष की कन्या कालिका कहलाती है। इनकी पूजा करने से शत्रु का समन होता है। चंडिका 7 वर्ष की कन्या चंडिका कहलाती है। इनकी पूजा करने से ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति होती है। सांभवी 8 वर्ष की कन्या सांभवी कहलाती है। किसी को भी मोहित करने, दुख दारिद्र और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए सांभवी रूप कन्या का पूजन करना चाहिए। दुर्गा 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहते हैं। इनकी पूजा से शत्रुओं का संहार होता है तथा कठिन कार्य भी सिद्ध हो जाता है। दुर्गा रूपी कन्या के पूजन से मनुष्य को पारलौकिक सुख की प्राप्ति भी होती है। सुभद्रा 10 वर्षीय कन्या को सुभद्रा कहा गया है। सुभद्रा के पूजन से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। कन्या पूजन करते समय नहीं चुने इन कन्याओं को। देवी भागवत के अनुसार 10 वर्ष से ज़्यादा की अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। जो अंधी भैंगी तिरछी नज़र से देखने वाली कानी कुबड़ी एवं कुरूप हो ऐसी कन्या का पूजन भी नहीं करना चाहिए। जो कन्या झगड़ालू या फिर लालची हो उसका भी पूजन नहीं करना चाहिए। जिसके शरीर पर बहुत अधिक रोम या फिर बाल हो, बीमार हो या फिर रजस्वला हो उस कन्या का पूजन भी नहीं करना चाहिए। जिसके शरीर से दुर्गंध आती हो या फिर जो निम्न कुल की हो उस कन्या का पूजन भी नहीं करना चाहिए। जिसके शरीर में किसी अंग की कमी हो या फिर कोई जो ज़्यादा अंगों वाली हो जैसे कि हाथ पैर में 6 उंगलियां वाली हो या फिर बहुत ज़्यादा दुर्बल हो ऐसी कन्या भी पूजन के योग्य नहीं होती। कन्या पूजन की विधि। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर विभिन्न प्रकार के भोजन पूड़ी हलवा चना आदि तैयार कर पहले दुर्गा माता को भोग लगाएं। 10 वर्ष तक की 9 कन्याओं और 2 बटुकों यानी कि 2 लड़कों को घर पर भोजन के लिए बुलाना चाहिए। कन्याओं को माता का स्वरूप समझकर पूरे भक्ति भाव से कन्याओं और बटुकों के हाथ पैर धुलाएं। माँ दुर्गा की तरह कन्या तथा बटुकों के पैर भी दूध मिश्रित जल से धो सकते हैं। उनको साफ सुथरे स्थान पर बैठाना चाहिए आसन के ऊपर। सभी कन्याओं एवं बटुकों को रोली का टीका और अक्षत लगाएं, लाल पुष्प दे और माला पहनाएं या फिर माला पहनाएं, चुनरी अर्पित करें और भोजन कराएं। भोजन करवाने के बाद सभी कन्याओं और बटुकों को कोई ऋतुफल मिठाई दक्षिणा वस्त्र
कुछ भी ऐसा उपहार दे जिन्हें देखकर उनके मुख पर मुस्कान आ जाए। बच्चों को खट्टी मिट्टी टॉफियां, चॉकलेट आदि देने से भी वे खुश हो जाते हैं। इससे पूजा करने वालों को खुशी का आशीर्वाद मिलता है। कॉपी, पेन, पेंसिल आदि पढ़ाई से संबंधित सामान का दान करने से माता परिवार में विद्या का आशीर्वाद देती है। श्रृंगार का सामान देने से सौभाग्य की वृद्धि करती है। इसके बाद कन्याओं और बटुकों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें और उन्हें प्रेम पूर्वक विदा करें। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।